हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम अरबान, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एम एस ए ब्लॉग्स मुंबई। सो गाइस, आज है संडे का दिन और मैंने छोटा सा ट्रिप प्लान किया है, मतलब विनायक, मैं, ज्योति और मेरी वाइफ और मेरी बच्ची रहेगी इस बार। तो मैं मुंबई से यहाँ से जर्नी स्टार्ट करूँगा, करीब 1.5-2 घंटे की जर्नी होगी। उसके लिए मैंने आज सोचा था कि मैं फर्स्ट टाइम मोटो ब्लॉग करूँगा एक्शन कैमरा के साथ में। तो मुझे एक्शन कैमरा मिल चुका है, SJ Legend 6। तो मैं आज इसको माउंटिंग करने वाला इस हेलमेट पे, जयेश भाई की मदद से। जयेश भाई का हेलमेट है भाई, हाई तो बोलो, ब्लॉग में आ रहे हो तो नहीं दिख रहा है। तो जयेश भाई की मदद से आज मैं हेलमेट माउंटिंग करने वाला हूँ, और ये स्ट्रिप है जो मैं हेलमेट में, इसके ज़रिए से मैं हेलमेट माउंट करने वाला हूँ, हेलमेट नहीं सॉरी कैमरा माउंट करने वाला हूँ। पहले मैंने इससे ट्राई किया बहुत बार, बट हो नहीं रहा था। तो एक ये वाला जो है इसका कवर, मैं इससे ट्राई करूँगा, क्योंकि जब मैं कैमरा इसमें लगा रहा था, जो उसका सामने से जो उसका व्यू आना चाहिए था वो नीचे की तरफ जा रहा था। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ इसके ज़रिए से, एक बार ट्राई करके पूरा सेटअप लगा के एक बार टेस्ट ड्राइव भी करने की कोशिश करूँगा। कैसा जाएगा? उल्टा लगा दिया, ये ऐसे जाएगा, ये देख। क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा था, उसका कवर गोल था नीचे से, तो ऊपर तक उसको पूरा टिल्ट होने के लिए नहीं मिल रहा था चांस। अब माइट भी अपना एकदम काम सक्सेस हो जाएगा। अब टेंशन लेने की कौनो बात नहीं भैया, हमारा काम हो ही जाएगी। क्या बात है, ये सेटअप हुआ तो बड़ा फास्ट हो जाएगा। तो अब ये कुछ इस तरह स्ट्रिप में आ जाता है। यहाँ पर मैंने स्लाइड किया है, स्लाइड करने से माउंट हो जाएगा। और अभी इसको इसमें थोड़ा मगजमारी यहाँ पर है, मतलब उसको एंगल कौन सा चाहिए वो यहाँ पर थोड़ा सेटअप करना पड़ता है। तो भाई ज़रा हाथ लगाना पड़ेगा अभी तुमको, मैं ऊपर बैठता हूँ। ये कैमरा उल्टा लगाया, कुछ तो गड़बड़ किया है, कैमरा उल्टा लग गया था। सारा बटन मिल रहा नहीं, मिल रहा नहीं, मिल रहा नहीं, मिल रहा नहीं। जवाब भी बता दिया, पूरी मेहनत खराब होने को। तेरा हेलमेट थोड़ा बड़ा भी है ना, तो पट्टा छोटा पड़ रहा है, जो छोटे वाले हेलमेट आते हैं ना उसके लिए सही है ये स्ट्रिप। आपने हमारे MS के भाई का ब्लॉग तो देखा होगा, उनका सेटअप कैसा होता है एरल टाइट वगैरह से। तो इतना हाई सेटअप तो नहीं करना है, क्योंकि हेलमेट अभी दूसरे का है ये वाला। अगर जब मैं अपना खुद का हेलमेट ले लूँगा, और खुद का जब SJ Cam हो जाएगा या कोई भी एक्शन कैमरा हो जाएगा, उसके बाद में मैं प्रॉपर सेटअप कर लूँगा, मतलब फिक्स सेटअप कर दूँगा कि बार बार निकलना है, ये मगजमारी करना ना पड़े। तो फर्स्ट टाइम मोटो ब्लॉग है एक्शन कैमरा के साथ में। इसके पहले मैंने जितने भी मैंने ब्लॉग्स बनाए एक्शन कैम अपना मोटो ब्लॉगिंग के, वो मैं अपने आईफोन से ही शूट करता था। तो वो रिस्की देता था थोड़ा, बट इसलिए आप लोग वो मत ट्राई करना, क्योंकि बाइक चलाते हुए एक हाथ से शूट करना भारी बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, मोबाइल भी गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। बहुत मेहनत करना पड़ रही है, कुछ इस तरह का सेटअप है ये। एक बार पेन के मोबाइल से कनेक्ट करके देखेंगे कौन सा एंगल मिल रहा है इसको। अभी भी डाउट है प्रॉपर एंगल मिला है कि नहीं। ये निकाल के इसको वाईफाई ऑन करना पड़ता है यार,
एक बार वायरलेस सेटिंग करके देखता हूँ, वायरलेस सेटिंग से तो मुझे प्रॉपर एंगल मालूम पड़ेगा कि मैं कहाँ देख रहा हूँ कहाँ नहीं देख रहा हूँ। तो ये रहा कुछ इस तरह सेटअप, इस तरह दिख रहा है सामने का व्यू। अगर मैं थोड़ी मुंडी ऊपर करता हूँ तो सामने का जो व्यू है प्रॉपर रहेगा, और बाइक चलाने के टाइम पे ऐसा करता हूँ तो मतलब सामने का जो एंगल आना चाहिए थोड़ा सा नीचे डाउन हो जा रहा है। अभी क्या पता, जब तक बाइक नहीं चलाऊँगा जब तक मालूम नहीं पड़ेगा। बाकी क्लैरिटी तो एक नंबर है, स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छा ब्लॉगिंग कैमरा सेटअप है। अब इसका देखते बैटरी लो कर देगी भाई, नहीं 11 मिनट में। सो गाइस, ये हमारे जयेश भाई बैठे फुल कैमरा सेटअप के साथ में। तो कैसा लग रहा है कैमरा जब पहना है ऐसा मुंह पे, ऐसा अलग ही फीलिंग है एकदम। फीलिंग भाई की एकदम अलग है। तो मेरा प्रॉपर जो है ना कैमरे का सेटअप हो गया है, तो आप लोग कमेंट करके प्लीज़ बताना क्या मतलब कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो मैं भी कुछ एक ऐसी सेटअप रेडी करने की सोच रहा हूँ। बट मेरे माइंड में दो चीज़ चल रही है, DJI Osmo, बट कल से जब ये कैमरा दिखाऊँ कम बजट में तो SJ Legend के पास भी मेरा दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले अगर स्टार्टअप है, अगर आज का व्लॉग मेरा अच्छा बनता है, मुझे जो मोटो व्लॉगिंग है प्रॉपर जाती है, तो मैं शुरू के लिए यही कैमरा परचेज करूँगा और इस पर मैं मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा। तो अभी बच गए हैं सुबह के कुछ तकरीबन 7, और मैं यहाँ से 11 बजे निकलूँगा और पता नहीं मैं कितना दूर तक जाऊँगा। डेस्टिनेशन मैंने एक सेट करके रखा है, वहाँ जाना है, मैं वहाँ पूरा दिन स्टे करूँगा, फिर वहाँ से रिटर्न इवनिंग में आ जाऊँगा। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे हमारे अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।